हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो सारे? मैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। बाकी फ़िलहाल बज चुके हैं 5 बज चुके हैं, 5:15 हो चुकी है। तो अभी अभी मैंने एक ब्लॉग एंड किया है, अभी मैंने एक ब्लॉग शुरू किया है एंड वो ब्लॉग भाई इस वजह से कर दिया क्योंकि उसकी करनी है आज एडिटिंग, और एडिटिंग करनी है भाई लैपटॉप से, और वो हो नहीं रही। तो भाई मैं आपको बता रहा था कि लैपटॉप का वो एडिटिंग का जो ऐप है वो तो चल नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिशें करनी है सुबह से अब तक, तो हो नहीं रहा है भाई। लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हाँ भाई, एडिटिंग तो मैं जरूर आज लैपटॉप से ही करके डालूंगा, चाहे कुछ ही हो जाए। तो भाई ये सामने देखो मोर बैठा हुआ है, ये यहाँ पे जहाँ पे हम दूध लेने आते हैं वहाँ पे तो बैठे ही रहते हैं। क्लियर नहीं आएगा क्योंकि यार ज़्यादा जूम कर दिया मैंने। अब देखो उड़ने वाला है, 1 2 3 जा, उड़ेगा उड़ेगा, उड़ गया। तो बाकी भाई अभी दूध लेके जाएंगे, फिर एडिटिंग का देखूंगा मैं। वैसे मेरे जो मामा के लड़के हैं वो कह रहे थे कि इस ऐप से, मतलब जो मेरा लैपटॉप है वो उसी ऐप को रिकमेंड कर रहा है बार बार जब भी मैं कोई वीडियो चला रहा हूँ। और जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं उनसे वीडियो चल तो जा रही है लेकिन अटक अटक के चल रही है एडिटिंग के टाइम पे। वैसे तो सही चल जा रही है, एडिटिंग के टाइम पर अटक अटक के चलती है, तो हो सकता है वो कुछ और दिक्कत हो, तो उसके बारे में मैं अभी यूट्यूब से देख लूँगा। बाकी ये देखो भैंस 4-5 और इनका ही दूध पीते हैं, बारिश भी आने लगी। मौसम देखो भाई, 2 भैंस का शायद से निकल गया है दूध, 2 का बचा है। तो हाँ फिलहाल इसे अंदर रख लेता हूँ मैं, भीग जाएगा नहीं तो। सो हेलो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। और भाई अभी भी मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ, मैं एडिटिंग कर नहीं रहा हूँ भाई, अभी मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ। ठीक है, मुझे काफ़ी मतलब थोड़ी बहुत एडिटिंग तो आ गई है, मतलब समझ में आ गया है कौन सा टूल कैसे वर्क करेगा। क्योंकि यार अगर आप किसी चीज़ को पहली बार करते हो ना तो आपको उस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, तो पहले उसकी नॉलेज गेन करनी चाहिए फिर उस काम को स्टार्ट करना चाहिए, जो कि मैं वही कर रहा हूँ। तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, इसका होल्डर ही बार बार थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, मैं इसे बार बार सीधा करता हूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं देखो सुबह के 7:15 है, और मैं बस अभी मैं मतलब मैं उठा 6:30 बजे, मैंने 1 कप चाय पी है और मैं एडिटिंग सीखने लगा हूँ। क्योंकि यार मुझे ब्लॉग भी तो अपलोड करना है ना, ये एडिटिंग पूरी सीख लूँ मैं, फिर मैं ब्लॉग एडिट करूँगा। मैंने अभी तक ब्लॉग एडिट करना भी शुरू नहीं किया है, और मैंने आप लोगों से वादा कर रखा है कि ब्लॉग जो आएगा वो लैपटॉप से एडिट होता है। तो हाँ भले ही थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन एडिटिंग लैपटॉप से ही होगी। तो चलो यार सीख लेते हैं इस एडिटिंग को क्या है। और बाकी पोंपू देखो अपनी डंडी जो है वो चाह भरा है, बैठ के खाएगा नहीं बस चाह भरा है, पता नहीं इसके क्या सस्ते नशे हैं ये। तो हेलो गाइस, अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। फिलहाल यार एडिटिंग में मुझे अच्छे से आ गई है, मतलब अच्छे से नहीं बोलेंगे, बेसिक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली उस ऐप की। मैं सुबह के 6:30 बजे से बैठा हुआ था गाइस, और अभी बज चुके हैं भाई 11:20 हैं, तो मतलब 10 बजे तक मैंने एडिटिंग ही सीखी है, और आधी से भी आधी वीडियो एडिट हो चुकी है, बाकी मुझे करनी है। अभी मम्मी से मैं पूछता हूँ कि मम्मी ने क्या बनाया है, बाकी अभी मैं मंदिर जाऊँगा फिर एडिटिंग शुरू कर दूंगा। तो मम्मी कितना टाइम हो गया मुझे एडिटिंग करते करते सीखते सीखते, मतलब तो ये क्या कर रही हो आप, कौन सी दाल बनाओगी, वो हरी हरी सी? नहीं नहीं भाई, ऑरेंज ऑरेंज सी। अच्छा यार, अच्छा यह तो मुझे बहुत पसंद है। तो भाई चलो यार फिलहाल मैं मंदिर जाता हूँ, मंदिर से आके आपको मिलता हूँ। तो भाई अभी मैं और भैया जा रहे हैं टीवी का, हमारा जो टीवी का रिमोट है ना वो ख़राब हो गया है, तो उसे लेने के लिए जा रहे हैं दूसरे वाला आफ्टर मार्केट। तो हाँ फिलहाल कुछ कहने वाला था मैं, हाँ उससे एडिटिंग तो हो गई है, उस वाले सॉफ्टवेयर जिससे जो मैं उस वाले सॉफ्टवेयर से जिससे मैं एडिटिंग कर रहा था। लेकिन भाई यार उसमें एक तो वाटर मार्क आ रहा है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि 4K में
नहीं हो पाएगी वीडियो एक्सपोर्ट, तो देखते हैं पहली बार जैसे भी एडिटिंग रहेगी वो देखते हैं आज उसी भी उस मतलब आज जो ब्लॉग में डालूंगा वो वही ब्लॉग डालूंगा। बाकी ये देखो मेरे भैया यहाँ पे, बाकी इन्हें भी कुछ एडिटिंग के बारे में पता नहीं है, ये अननोन है अभी। तो भाई अभी हमने यहाँ पे दुकान पे पता किया है, तो ये कह रहे हैं जो भी एलईडी का जो सेट होता है ना वो लाना पड़ेगा, तो वो तो यार फिक्स हुआ पड़ा है। तो हम उसकी फ़ोटो वगैरह स्पेसिफिकेशंस बता रहे थे, लेकिन चलो देखते हैं जैसे भी रहता है। चलो तो अभी हम फिलहाल किसी और दुकान पे ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने एक दुकान देखी हुई है जहाँ पे वो भैया कह रहे थे कि मिल जाएगा। चलो भाइयों अभी मैं और भैया जिम से आए हैं, तो हमने बस जो टॉवल वगैरह जिम के होते हैं वही रखे हैं, बाकी अभी हम जा रहे हैं जूस पीने के लिए। तो चलो यार चलते हैं। सो हेलो गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे। भाई और यार ऐसा होता है कि मैं जिस दिन ब्लॉग शूट करता हूँ ना, जिस दिन का उस दिन ब्लॉग में एंड करना ही भूल जाता हूँ, फिर मैं अगले दिन उठ के ब्लॉग एंड करता हूँ। तो हाँ ये नेक्स्ट डे है भाई, और अभी मैं फिलहाल आया हूँ पोम्पू को लेके छत पे थोड़ा बहुत खिलाने के लिए। मतलब ये छत पे खेल लेता है तो थक जाता है तो सो जाता है फिर, तो हाँ इससे इसकी हेल्थ भी अच्छी होती है, नाखून भी नहीं बढ़ते हैं। और फिलहाल देखो कैसे बैठा हुआ है, देख रहे हो, इसका फोटो लेता हूँ एक पास में जाके। तो भाइयों अभी मैंने पोम्पू के फोटो तो ले लिए हैं, काफी ज्यादा अच्छे फोटो दिए हैं इसने मुझे, मतलब फोटो एकदम बेस्ट आए हैं, पोज बड़े अच्छे देता है ये। तो हाँ यहीं पे ही मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, क्योंकि यार आज पता है आज के ब्लॉग में बहुत धमाकेदार चीज़ होने वाली है। आज मुझे पापा कहीं लेके जाने वाले हैं जहाँ पे दो प्लेन खड़े हुए हैं ऐसे बहुत दिनों से, ठीक है, तो वहाँ पे जाएंगे आज मैं और पापा। तो देखते हैं भाई वो आप देखोगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हाँ अगर आपके ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगे तो इस ब्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भाई आपके छोटे भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर देना जरूर से, ठीक है ना। तो हाँ चलो यार बाय।